नमस्कार, बीसीएफएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर इकोनॉमिक सर्वे इस विषय पर। ये विषय जानने के बाद हमारे अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक बार वो जानकारी एक सामान्य निवेशक प्राप्त कर जाता है तो अपना निर्णय सही दिशा में, सही जगह पर, सही समय के लिए किस तरीके से ले सकता है और कौन सा निर्णय निवेश को लेकर निर्णय, उसके बारे में वो एक अधिक सक्षम, अधिक ताकतवर हो जाता है। और यही प्रयास किया है बीसीएफएफ और सेबी ने कि इकोनॉमिक सर्वे सामान्य कृष्ट विषय सरल और सादी भाषा में सामान्य निवेशकों तक लेकर आए, ताकि वो अर्थव्यवस्था की वास्तविकता जाने और अपना निवेश सही जगह पर सही तरीके से कर पाए। ये सारे सत्र अब तक बीसीएफएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इन्फ्लेशन, देश के भीतर का इन्फ्लेशन, अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लेशन, इसके बारे में चर्चा करी। और हमारे यहाँ पर एक सबसे अहम चीज है जिसमें यदि महंगाई बढ़ जाती है, जिसमें यदि महंगाई के आंकड़े यदि आसमान छूते हैं, तो निस्संदेह बहुत बड़ा बवाल खड़ा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग आज एक हाथ पर कमाते हैं, एक हाथ पर खाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे फूड सेक्टर की। और जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सीपीआई, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये आज हम देखेंगे। ये चार्ट यदि हम देख पा रहे हैं, ये चार्ट जब हम देखते हैं तो 2018 और 2019 में हमारा जो सीपीआई था वो 3.4 से 4.8 हुआ। हमने पिछले सत्र में देखा कि कैसे किस तरीके से महंगाई बढ़ी है और क्या क्या कारण रहे हैं। इसमें सीपीआई में कौन कौन आता है, फूड एंड बेवरेजेस, क्लोथिंग, फ्यूअल, ट्रांसपोर्ट, अदर्स, पान टोबैको, हाउसिंग, हाउस होल्ड गुड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, ये सारी चीजों को मिलाकर आपका सीपीआई बनता है। ये जब 3.4 था और 4.8 था, इसमें देखिए हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, सारे रंग कम ज्यादा मात्रा पर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये 2019-20 आता है, वैसे ये जो हरा हरा क्षेत्र है, हरा क्षेत्र किस चीज का, फूड एंड बेवरेजेस का है, इसमें बहुत ज्यादा महंगाई पिछले साल में हमको देखने को मिली 2019-20 में। हम अक्सर बवाल करते हैं कि महंगाई बढ़ी, सरकार क्या कर रहा है, फिर उसके क्या कारण होते हैं वो भी एक बार हमने समझ लेने चाहिए, ताकि हम किसको ब्लेम करें और उसमें से हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है वो सही तरीके से खोज पाएंगे। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो सीपीआई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें 2019-20 में फूड और वेजिटेबल्स या फूड और बेवरेजेस, इनका जो एक प्रमाण था वो काफी हद तक बढ़ा है। और फूड एंड बेवरेजेस की भी यदि बात करेंगे तो अहम तौर पर उनका एक कारण है कि सबसे पहले मतलब जो दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो बारिश है वो डिले हो गया करके खरीफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। और उसके बाद सबसे अहम चीज मतलब सप्लाई डिसेप्शन और डैमेज टू खरीफ क्रॉप्स हुआ। और उसके बाद जो रबी की फसल थी, उसमें अनयूजुअल अकाली बारिश आई, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। तो ये एक अहम चीज है जिसकी वजह से फूड और बेवरेजेस की महंगाई बढ़ी। ये एक चार्ट और एक देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हरा रंग जो है वो बढ़ रहा है, और वो हरा रंग है वेजिटेबल्स का। फूड में भी वेजिटेबल्स, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, फ्रूट्स है, इसमें भी जो महंगाई बढ़ी है पिछले साल के अगले 6 महीने में, उसमें वेजिटेबल्स है। और उसमें अहम वेजिटेबल्स में भी मतलब ओनियन, प्याज, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले एक कि रबी का जो फसल है, क्योंकि बारिश लेट आई तो उसकी वजह से ड्रॉट, दुष्काल समान परिस्थिति आ गई, उसकी वजह से जो एरिया अंडर एकरेज था ओनियन का, प्याज का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ। महाराष्ट्र और बाकी सारे राज्यों में इसका फर्क देखने को मिला। और जो बीच में ही बारिश आ गई उसकी वजह से भी खरीफ की जो फसल थी वो भी खराब हुई। सो ये हम देख सकते हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ी है। सो महंगाई क्यों बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, हमने समझ लेना चाहिए। सो ये पिछले साल के आंकड़े आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।